you have come for that? Why? Actually, I believe this is a conference for a workshop for mathematical interpretation on geometry. And I have also not idea how to represent geometry in Excel. But while I attend this conference and I get idea of how to geometry represent by Excel and how to plot graph by points, x and y, take value and how can it's very magical. So I can teach students and my class interesting for students. How can plot this graph and this value and this equation? How can draw this graph? Easy. So, अभी तक आपके लिए Excel क्या? Excel आपसे 4 marksheet बनाते थे और some वो ज़्यादा से ज़्यादा marksheet में जो वो marks है उसका एक graph बना के डाल. और कुछ knowledge नहीं था but by this conference. Actually, I am very thankful to Mr. Das sir कि हमें बहुत अच्छा knowledge दिया उन्होंने. तो इस workshop से आपको Excel में improvement हुआ या mathematics में improvement? Mathematics में improvement हुआ क्योंकि students को जो calculus subject है उसमें equation आता है how to plot the graph. वो easily हम ऐसे board पर draw करा के नहीं उनको बता सकते पर ऐसे Excel को use करके हम कैसे point draw करेंगे और सर ने हमें समझा कि ये Excel से करना है तो students भी interest उनको भी interest आएगा और वो easily क्योंकि subject mathematics students को भी बहुत hard पड़ता है तो ऐसे interest लेते subject में आकर तो by this कैसे हम geometry use कर सकते हैं अभी अगर हम बात करें regarding the transformations जो सिखाएं हम लोगों को shearing, rotation, scaling ये सब सिखाएं reflections पहले आपका ये सब पहले इस concept में सिर्फ वो mathematically कैसे आता है ये inverse कैसे find करना है फिर transformation उसका कैसे होता है वो mathematically calculation से ही सिर्फ हमें knowledge था उसका पर how to imagining geometry उसका graph कैसे आएगा उसका equation plane कैसे होगा surface कैसे आएगा वो सब हमें यहाँ से knowledge वो चीजें पहले नहीं पहले miss ऐसे दिमाग में नहीं थी कैसे सिर्फ mathematically था कि इसका ऐसे करना है ये calculate करना है क्या मैं इस तरह से समझूं कि पहले से आपने रट्टा मारा हुआ था कि इसका ऐसा रहता है students को बोल दो students ने भी वो चीज रट्टे की तरह ही समझ लिया हमें पता है कि equation ये आएगा इस ये equation है तो ये line आएगी ऐसा parallel line है तो inconsistent solution कैसे आता है तो उसकी दो parallel line पर students के दिमाग में visualize कैसे होगा तो ऐसे बता कि ये draw करना है ये point लेने हैं तो excel में ऐसा graph आपका आएगा तो students को ज़्यादा knowledge मिलेगा मिस उनके दिमाग में आएगा कि नहीं ऐसा होता है अगर ऐसे ही हम कैसे बोल रहे हैं वो उनको पता चले ऐसे हम डायरेक्ट बोल के नहीं हमें उनको पता आइडिया है पर ऐसे बताएंगे तो उनको विजुअलाइज होगा कि हमें कैसे होता है और कुछ आप कहना चाहेंगे इस वर्कशॉप के बारे में और I attend this workshop I have not idea और मेरा नॉलेज भी थोड़ा पुअर था कि कैसे ये तो नॉलेज बढ़ा कि कैसे स्टूडेंट्स को बताना है और ज्योमेट्री कैसे आती है मैथमेटिकल अलजेब्रा कैसे यूज होता है ज्योमेट्री में तो सब वेक्टर अलजेब्रा कैसे यूज होता है सर के बारे में आप क्या कहना सर इज वेरी हेल्पफुल और उनका टीचिंग का मेथड भी बहुत अच्छा है कि नई टॉपिक समझ में आता है तो पिक करते हैं बताते हैं पर्सनली इंडिविजुअली उनका नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट ज्योमेट्री का नॉलेज थैंक यू वेरी मच